रत्मी और गैर सरकारी नतीजे आने का सिलसिला जारी। नामवर सियासतदान चारों शाने चित, आजाद उम्मीदवार सबसे आगे। कौमी असेंबली में आजाद उम्मीदवार 100 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 71 नशिस्तों के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 45 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। MQM 17, मुस्लिम लीग काफ 3 सीटों पर मैदान मारा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अब तक 2-2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और मुस्लिम लीग ज़िया 1-1 नशिस्त पर कामयाब। पंजाब में नून लीग, KPK में आजाद, सिंध में, बलूचिस्तान में PP की अक्सरियत। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली पार्टी बन गई। पंजाब की 297 में से 144 जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। आजाद उम्मीदवार 129 नशिस्तें लेकर सूबे में दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी की 10 सीट्स के साथ तीसरी पोजिशन। पंजाब में दीगर पार्टी के उम्मीदवार 12 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी सिंध में दोबारा हुकूमत बनाने के काबिल हो गई। सिंध में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। सिंध की 130 में से 84 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। MQM पाकिस्तान 28 सीट्स जीतकर दूसरे नंबर पर। सिंध में 14 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। दीगर जमातों के साथ अरकान भी सिंध असम्बली के रुकन मुंतखिब। 84 जनरल नशिस्तें लेने के बाद पीपल्स पार्टी 20 खवातीन और 6 अकलीतों की मखसूस सीट्स की भी हकदार करार। पीपल्स पार्टी मुल्की तारीख में पहली मरतबा सिंध असम्बली में 100 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने में कामयाब।